गदर 2 में कैसे लगे सनी देओल, इतना गदर मचा पाए सनी देओल। 22 साल बाद फिर तारा सिंह बनकर छाए सनी। सनी देओल ने पाकिस्तान में मचाया तहलका। बेटे को न्याय दिलाने निकले पंकज त्रिपाठी। सोशल मीडिया पर छाए अक्षय कुमार। शुक्रवार को थिएटर्स में दो ऐसी फिल्मों की सीक्वल रिलीज हुए जिनका इंतजार जनता को बेसब्री से था। तुझे तारा सिंह की पहचान दे नहीं, दुश्मनानु पूछो तारा सिंह कौन है। सनी देओल की आइकॉनिक फिल्म गदर का सीक्वल 22 साल बाद रिलीज हुआ। इसके साथ ही अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 11 साल बाद थिएटर्स में पहुंची। गदर 2 के ट्रेलर पर जनता का रिएक्शन और एडवांस बुकिंग की शुरुआत से ही साफ हो गया था कि सनी की फिल्म थिएटर्स में तूफान लेकर आने वाली है। वही सेंसर्स बोर्ड के पंगे में उलझी ओ माई गॉड 2 एडवांस बुकिंग की शुरुआत में स्लो नजर आई। बता दें कि ओ माई गॉड अक्षय की उन फिल्मों में से है जिसका कंटेंट जनता को बहुत पसंद आया था। 2012 में आई ये फिल्म सरप्राइज हिट थी और इसे हिट बनाने वाली चीज इसकी ब्रिलियंट कहानी थी, इसलिए ओ माई गॉड 2 से भी जनता को बहुत उम्मीद थी। गदर 2 के लिए जैसा तूफानी माहौल बना उसमें ओ माई गॉड 2 के गायब हो जाने का डर भी था, लेकिन अक्षय और पंकज त्रिपाठी स्टारर ने अपने कंटेंट के भरोसे शुक्रवार को थिएटर्स में माहौल जमाए रखा। बॉक्स ऑफिस से आ रही रिपोर्ट्स बता रही है कि ओ माई गॉड 2 ने भी शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन किया। अक्षय की फिल्म को एडवांस बुकिंग में थोड़ी धीमी शुरुआत मिली थी, लेकिन इसके लिए नेशनल चेन्स में ही बुक हुए करीब 73,000 टिकट्स का आंकड़ा बहुत सॉलिड था। ओ माई गॉड 2 को रिव्यू बहुत पॉजिटिव मिले हैं और जनता से भी फिल्म को खूब तारीफ मिल रही। इसका असर शुक्रवार को फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन पर नजर आया। रिपोर्ट्स बताती है कि पहले दिन ओ माई गॉड 2 को बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली है। वहीं गदर 2 की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 एक तूफान बनकर आई और इस हफ्ते की बड़ी फिल्म है। इसके सामने ओ माई गॉड 2 की डायरेक्ट तुलना किसी भी तरह से गलत होगी। सनी देओल खुद एक्शन एंटरटेनर सिनेमा में एक तरह से ब्रांड है और गदर का तारा सिंह उनके करियर ही नहीं बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक है, जबकि ओ माई गॉड 2 का एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है। सनी की फिल्म को ब्रांड गदर का तगड़ा फायदा मिला और लोगों का रिस्पांस देखते हुए इसे स्क्रीन्स भी जमकर मिली। जहां गदर 2 करीब 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, वहीं ओ माई गॉड 2 करीब 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। इसके बावजूद अक्षय और पंकज की फिल्म ने जिस तरह का कलेक्शन किया है वो बहुत ही सॉलिड है।